आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका के सिराज नंबर वन पर ताज वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करने से एक कदम दूर। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई 2023 से सुपर छः में श्रीलंका ने शुक्रवार को नीदरलैंड पर 21 रनों से जीत दर्ज की, टीम टेबल में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद संतुलन की सुनवाई वाली है। टीम वर्ल्ड कप को टीम हासिल करने से एक कदम दूर है। अगर श्रीलंका अलग अलग मैचों में जीत में सफल रही तो वह अक्टूबर नवंबर में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफाई कर ली जाएगी। वह आईसीसी के इस गेम इवेंट के लिए कुल 8 टीमों ने डायरेक्टर क्वालिफाई किया गया है। बीच में 2 टीमों में क्वालिफायर राउंड खेलने के लिए बाद में गेम इवेंट का टिकट हासिल किया है। नीदरलैंड को करीब मुकाबले में 21 रनों से हराकर श्रीलंका के और मगर बेहतर नेट रन रेट होने के कारण वजह से श्रीलंका सबसे आगे रहे। श्रीलंका के नेट रन रेट 1.832 का है, वहीं जमेद का 1.0752 का है। कप के लिए क्वालिफाई करने की रेस में यही 2 टीमों की आगे आई हैं। दोनों टीमों का अब एक जीत सीधी वर्ल्ड कप में एंट्री दिला दी जाएगी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे श्रीलंकन टीम की हालत नीदरलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआती में ही हस्त कर दी। श्रीलंका ने 100 रनों के अंदर ही अपने 6 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, मगर यह धनंजय डीजे सिलम ने 93 रनों की पारी खेल टीम को 213 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। जीत का अंदाज साबित हुआ। इस स्कोर का पीछा करते हुए नीदरलैंड 192 रनों पर सिमट गए। श्रीलंका ने 21 रनों से मैच जीता। धनंजय को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अंडर से नवाजा गया।